ऐसी के तौर पर एक नहीं रहेगी। क्या सीन है? अपनी ही अलग अलग जातियों में बटकर झगड़ा करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो कांग्रेस इनका फायदा उठाएगी। अकोला महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अपने मजाकिया टिप्पणियों से रैली की रंगत ही बदल डाली। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने रैली की भीड़ पर चुटकी लेते हुए कहा कि जहां तक नजर जाए लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। उनके इस बयान के बाद तो मानो सोशल मीडिया पर रैली की कुर्सियों की गिनती और खालीपन का मजाक उड़ाने का एक दौर चल पड़ा। कांग्रेस नेता अतुल लोंधे पाटिल ने भी इस पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी जुमलों की ऐसी गारंटी देने पहुंचे कि सुनने वाली जनता कम और सुनने वाली कुर्सियां ज्यादा थी। उनके अनुसार प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे बड़ा फायदा वहां बिछी कुर्सियों ने उठाया, जमकर विकास की बातें सुनी। अतुल लोंधे के अनुसार ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी का यह भाषण विशेष रूप से कुर्सियों के लिए ही तैयार किया गया हो। भले ही भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के नेता इसे कुर्सियों का महासम्मेलन कह रहे हैं। सुप्रिया सिनेत का कहना था कि भीड़ की नजरें ढूंढते ढूंढते अंत में हर तरफ बस खाली कुर्सियां ही दिखी, तो मानो अकोला की रैली में कुर्सियों ने ही जमकर तालियां बजाई। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लेकर कई तरह के मीम्स बनाए और कांग्रेस के नेताओं ने इसे अपने अंदाज में मोदी जी का कुर्सी मिलन समारोह तक का नाम दे डाला। रैली का ये मजेदार घटनाक्रम बीजेपी के लिए भी कुछ संजीदा सवाल खड़े कर गया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में लगातार रैलियों और जुमलों के बावजूद कांग्रेस का कहना है कि जनता अब जुमलों से तंग आ गई और खाली कुर्सियां इस बात का सबूत हैं। एक यूजर ने भी इस पर लिखा कि मोदी जी ने इतनी जोर शोर से सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन इस रैली में सबका साथ देने सिर्फ कुर्सियां ही आईं। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में इस तरह की मजेदार घटनाएं जनता को गुदगुदाने का काम कर रही। जहां एक तरफ बीजेपी अपने भाषणों से जनता को लुभाने में लगी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता और प्रवक्ता उनके हर कदम को जुमलों की गारंटी का रंग दे रहे हैं। लगता है कि इस चुनावी दंगल में कुर्सियां ही अपनी सबसे बड़ी पहचान बना चुकी हैं, जिन्हें देखकर लोग कह रहे हैं इतनी कुर्सियां एक साथ पहले कभी नहीं देखी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में साझा करें और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।